सिर्फ इनको परकटों का शौक है रश्मि भाई को। ये देखें कितने खूबसूरत लाजवाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, कोई जवाब नहीं। देर इज़ नो वर्ड अबाउट दिस पिजन्स, यू कैन सी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बाय विंग्स बाय टेल। ये देखें आप बाय नेल्स, ये देखें बहुत खूबसूरत, ये देखें शौक करें आप जोड़ेंगे एक साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और दोस्तों, मैं सैयद वसीम अख्तर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वसीम पिजन वर्ल्ड में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको आजकल जयपुर और टोंक के जो परिंदे हैं उनका लगातार कंटिन्यू शो कराता आ रहा हूं। आज मैं अपने नवाबी नगरी टोंक में रजबन एक इलाका है, यहाँ रश्मुबई के परिंदों को आपको शो कराया जाएगा इंशाल्लाह। रश्मुबई के वालिद साहब के वक्त से इनको शौक है, इनके वालिद साहब का नाम सईद साहब था और आप मरहूम हैं, और आप रश्मि भाई अपने बिस्मिल्लाह होटल वाले एक मशहूर उस्ताद थे, वो भी महरूम है, उस्ताद मुन्नू खान साहब मुन्ना भाई के शागिर्द थे। आपके इंतकाल के बाद आप उस्ताद शाहिद भाई के खलीफा बन गए, तो उनसे आपको मुसलसल बातचीत करवाएंगे। और जैसा कि कबूतर टोंक में किसी को बाजरों का शौक है, किसी को जालदार बाजरे, हर लोग ने अपने शौक़ के एतबार से कबूतर रख रखें, किसी ने जालदार बाजरे बना रखे हैं, किसी ने कलमुए बना रखे हैं। तो अभी आपको रश्मि भाई से मुखातिब कराते हैं बिना किसी ताकीर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं रश्मि भाई? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। तो रश्मि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कितना वक्त हो गया तकरीबन कबूतर परवरी का शौक़ करते हुए? तकरीबन मेरे को 25 साल से ऊपर हो चुके हैं शौक़ करते हुए। जी, जब वालिद साहब जिंदा थे उस टाइम के ऊपर से शौक लगा हुआ है, छोटे थे जी जी। फिर वालिद साहब के टाइम पे हमने उड़ाई भी कबूतर, और उसके बाद में 2001 में वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जी जी, उसके बाद से ही हमने उड़ाना छोड़ दिए थे। अच्छा, उसके बाद आपने उड़ाना छोड़ दिए थे, अब आप शौकिया तौर पे अभी रख रहे हैं? आप बिल्कुल शौकिया तौर पर परकेच रख रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आपके उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद पहले तो बिस्मिल्लाह होटल वाले मुन्ना भाई थे, फिर उनके इंतकाल के बाद में इस वक्त शाहिद भाई हमारे उस्ताद हैं जी जी। जो शाहिद भाई उस्ताद हमारे मतलब बिल्कुल करीबी और ख़ास उस्ताद हैं जी जी, और उनका मैं खलीफा हूँ। तो बिस्मिल्लाह होटल वाले के जो साहबजादे हैं परवेज़, उन्हीं की पार्टी के हैं आप? जी बिल्कुल, उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके वालिद ही हमारे पुराने उस्ताद थे जी हाँ। फिर उनका इंतकाल हो गया था। तो जब उस ज़माने में कितने कबूतर उड़ा करते थे जब आपके वालिद साहब? ज़माने में 5, 7, 9, 11 उड़ा करते थे ज़्यादातर। माशाल्लाह, जैसा कि दादा उस्ताद भी बता रहे थे कि उस ज़माने में आपके वालिद साहब के टाइम में आपने कुछ इनाम भी हासिल किए उस ज़माने में? उस ज़माने के अंदर बाजियाँ भी जीते थे और इनाम भी उठाए, लेकिन फिर बस मैंने बतलाना है कि वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ है तो हमारे वालिद को इतना शौक था जी जी, कि इंतकाल के पहले भी जो है तो वो कहते थे कि यार कबूतर उड़ाओ जी जी, 10 मिनट पहले जो है ना वो ये कह रहे थे कबूतर उड़ा यार, और उनका फिर इंतकाल हो गया था जी जी। फिर जब से बस आपको पता है बड़ा है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जी, इस वजह से अब बस उड़ा नहीं पाए। रश्मि भाई जब इनके वालिद साहब हयात थे, हयात ज़िंदगी में काफ़ी टूर्नामेंट उड़ाए इन्होंने, हारे भी हैं और जीते भी हैं, और फिलहाल इनके पास जोड़े वाले कबूतर हैं जो परकेच कबूतर हैं, घर का शौक कर रखा है। और चलिए तो आपको शौक कराते हैं अपने रश्मि भाई के। रश्मि भाई बाजरे कबूतर लेके आए हैं, किस तरह के बाजरे कबूतर हैं रश्मि भाई? ये बाजरा कबूतर हैं, इनको बहुत से छापदार भी बोल देते हैं, छापदार बाजरे भी बोल देते हैं, मतलब अपनी अपनी ज़बान में अलग अलग तरीके से बोल देते हैं जी। हम तो ज़्यादातर इन्हें बाजरे ही बोलते हैं जी जी। बाजरे कबूतर हैं अपने रश्मि भाई के, इसके नर का शौक करा दीजिए एक। ये देख सकते हैं अपने रश्मि भाई के बाजरे कबूतर, गद्दावर साइज़ के बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं। इसकी खूबसूरती देखिए आप, ये देखें माशाल्लाह पूरे बड़े कल्ले मगज का कबूतर है। ये देखें अब इसकी आँख का शौक करें, ये देख सकते हैं दोस्तों कितने लाजवाब, कितने उम्दा कबूतर हैं। ये देखें आप कबूतर का वजू, ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती लिए हुए, इसकी आँख का शौक करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत लाजवाब आँखें, बाजरों की आँखें लती है जी। इसमें थोड़ा लालपन भी हल्का हल्का जी, बहुत लाल भी होते हैं जी, तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग। ये देखें आप रश्मि भाई ने ये जो आँख बताई बहुत लाजवाब आँखें माशाल्लाह। इसकी पलक का कलर देखें आप, बहुत बारीक पलक है, और इसका वो दूसरा ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त वजूद के कबूतर हैं। इसका दामन देखें आप, ये देख सकते हैं
और ये क्या खिलाते हैं इस तरह के, ये जो ब्लैक कलर जाल खिलाते हैं क्या? ये जालदार भी कह दो, और आजकल क्या बहुत से जैसे इनको ये गंडे आ रहे हैं ना लाल, इनको बहुत से गंडेदारों में भी कह देते हैं। अच्छा, ये रश्यू भाई ने नए जोड़े लगाए हैं, अब ये देख सकते हैं इनके काले नाखून खुश पंजे। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त वजूद का कबूतर है, बहुत ही लाजवाब। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि टोंक के कबूतर, पुरानी चाल के कबूतर नस्ल ख़त्म होती जा रही हैं, और इनके वालिद साहब के वक्त से शौक चल रहा है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत वजूद का कबूतर है। अब इसकी मादिन का शौक करा, ये मादिन लगा रखी है। देख सकते हैं आप जालदार बाजरी, जो भी लास्ट में आपको बाजरा कबूतर बताया था, ये देख सकते हैं ये जाल के लाते हैं। इसके जो पीठ पे दिख रहे हैं ये क्यों साहब, ये जाल ही के लाते हैं ना। ये देखिए कबूतर की दरों का, बस ये देखो आप कितनी ज़बरदस्त वजूद की कबूतर मादा है। ये देख सकते हैं अब इसकी आँख, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कितनी खूबसूरत कबूतर मादा है। ये जो लास्ट में नर दिखाया था उससे मादा लगा रखी है। ये लाल डोरे लिए हुए, और इसकी आँख की खूबसूरती देखें, पलके कितनी बारीक हैं, इसकी बिल्कुल महीन पलके हैं, और ये लाल डोरे लिए हुए हैं। इसका अभी धूप होती तो इसका तिल और बारीक दिखता जी। ये देखें कितने ज़बरदस्त दामन की मादा है। सब ये जोड़े वाले कबूतर हैं। रश्यू भाई अब वक्त की कमी की वजह से उड़ाते नहीं हैं, इनके वालिद साहब के टाइम में इन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट उड़ाए, और ये जाल कहलाते हैं। बहुत खूबसूरती ये देखें आप, जालदार बाजरे टोंक की मशहूर ब्रीड है, पुरानी चाल के कबूतर हैं। ये देख सकते हैं आप काले नाखून खुश पंजे, और ख़ूबसूरती के लिए रिंग्स पहना रखिए ताकि कबूतर थोड़ा खूबसूरत दिखते हैं। ये देख सकते हैं आप जोड़े का शौक करें अपने रश्यू भाई के, ये कबूतर बाजरे कबूतर, ये छोटे साइज़ की वजूद की मादा लगा रखी है, और ये नर है जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत खूबसूरत और लाजवाब कबूतर है। ये देखें नर की स्टैंडिंग कितनी ज़बरदस्त स्टैंडिंग है। मादा अंडों पर है क्या रश्यू भाई? है जी, ये अंडों पर है मादा, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है आपको गुमसुम सी, बहुत लाजवाब। ये देखें हाँ, तो रश्यू भाई इसमें ये गंडेदार भी निकल जाते हैं ना जी। ये देखिए, ये देखें आप कितना ज़बरदस्त कितना खूबसूरत कबूतर निकला है, गंडे के लाते हैं ये, कितने खूबसूरत गंडे जोड़े का पट्टा है। हाँ ये देखें आप, बिल्कुल आप देखें कितने ज़बरदस्त गंडे हैं इनमें से। ये जो रश्यू भाई ने बताया कि गंडेदार भी निकल जाते हैं, लाल गंडेदार, इसी पैर का पट्टा है जो अभी आपको लास्ट में दिखाया था। ये देखें कबूतर का वजूद, अब इसकी आँख का शौक करें। ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वजूद का कबूतर है, इसकी आँख का शौक करें। ये देखें इसके रिंग्स देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बाजरों वाली आँख। अब ये देख सकते हैं दामन बहुत ज़बरदस्त, और ये रेड कलर के आपको जो दिख रहे हैं ये गंडे के लाते हैं, इन्हीं कबूतरों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें गंडेदार भी निकलते हैं, और जालदार बाजरे भी निकल जाते हैं इनसे, भूरे बाजरे भी निकल सकते हैं। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त वजूद का कबूतर है। अब इसके पंजे ये देखें, काले नाखून खुश पंजे। ये देखें आप जो लास्ट में आपको जो जोड़ा दिखाया था उससे ये पट्टा निकाला है, लाल गंडी लिए हुए। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कितना लाजवाब कबूतर है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टैंडिंग है, सब कुछ से माला माल है। और ये देखें आप बाय स्टैंडिंग बाय विंग्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ये देखें आप इसके लाल गंडे, इसकी खूबसूरती देखें आप। अब ये देखें ये मादा लगा रखी है, उससे इससे लगा रही है ना, जो पट्टा निकला। हाँ पट्टा निकला ना, ये देखें गंडेदार मादा लगा रखी है, कितनी ज़बरदस्त वजूद की मादा है। जैसा कि टोंक में सब लोग अच्छा समझते हैं कबूतर परवरी के एतबार से, देखें कितनी खूबसूरत मादा है, बहुत ही लाजवाब। और इसके ये आप देखेंगे शेड्स बिल्कुल रेड, जो टोंक की पहचान है, इस तरह के आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसी टाइप से इन्होंने, ये देख सकते हैं आप शेड्स कहलाते हैं बिल्कुल रेड कलर के। अब इसी आँख ये देखें आप कितने खूबसूरत मादा है, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल रेड कलर के शेड्स आ रहे हैं, जो बहुत आजकल ट्रेंड है मार्केट में इस तरह के। ये देखें इसकी आँखों का शौक करें, ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इसकी आँख, बादामी टाइप आँख है हल्की हल्की जी, लाल डोरे टाइप में। ये देख सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त आँख है। अब इसके ये देखें आप लाल गंडे वाली मादा, और जो लास्ट में फर्स्ट जोड़ा बताया था उसके पट्टा पट्टी काटे हुए हैं रश्यू भाई ने। इनका वाइब्रेशन हर कबूतर में वाइब्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब इसके पंजे, देखें काले नाखून खुश पंजे। ये आप जोड़े का शौक कर सकते हैं, ये जो पहला जोड़ा बताया था उसके पट्टी पट्टी हैं। ये नर इसकी स्टैंडिंग देखिए आप, कितना खूबसूरत कितना लाजवाब कबूतर है। ये देखें आप, ये देखें दोस्तों ये इस तरह की वीडियो बहुत कम मिलती है, रेयर। ये देखें आप कितने खूबसूरत कबूतर हैं, कितने लाजवाब। आप इनकी स्टैंडिंग देख लीजिए, वाइब्रेशन देखिए, मादा इस तरह से महसूस कर रही है जिस तरह से हाथ में लेने के बाद बीमार हो गई हो। इनको हाथ में लेने के बाद ये इस तरह से करते हैं जैसा कि बीमार हो गए हों। ये देखें आप ये जोड़ा कितना ज़बरदस्त जोड़ा है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं आप शौक करें करीब से, ये देखें आप बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है माशाल्लाह।
रशु भाई के वालिद साहब मरहूम हैं सईद भाई, उनके वक्त से ये माशाल्लाह उनके टाइम से ही इस तरह का उनको भी शौक़ था बाजरों का। उनको ज़्यादातर जो है तो कलमों से, घेरों से, बाजरों से शौक था। जी जी तभी ज़्यादातर। अच्छा ये आप बना रहे हो? आपको शौक़ करा देते हैं। कितने खूबसूरत कबूतर हैं, बहुत ही लाजवाब, और इस तरह की नस्लें आपको टोंक में ही देखने को मिलेंगी। और टोंक की कबूतर परवरी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गूंज रहा है कबूतर, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आप बाजरे, बहुत ज़बरदस्त उड़ान होती है इनमें। ये देखें आप बहुत खूबसूरत कबूतर है। सबका शौक करें आप एक साथ, ये देख सकते हैं आप रक्षी भाई के सारे कबूतरों का एक साथ शौक करें। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, इसमें दूधिया बाजरे, बाजरे कबूतर, हरे बाजरे सब कबूतर हैं माशाल्लाह। ये देखें शौक करें आप सारे कबूतरों का एक साथ। ये गुंजरा कबूतर बाजरा कबूतर है, ये देखें आप कितने खूबसूरत कबूतर हैं, बहुत ही लाजवाब सब कबूतर, एक से एक कलेक्शन कर रखा है रशियो भाई ने अपने रजबन में। सबके पास माशाल्लाह टोंक में अच्छे अच्छे कबूतर हैं। ये देखें पुरानी चाल के कबूतर हैं, पुराने शौकीन लोग हैं। ये देखें आप इनके वालिद साहब के टाइम से शौक चलता आ रहा है। और रशियो भाई जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुन्नू खान साहब बिस्मिल्लाह होटल वाले के शागिर्द थे। आपके इंतकाल फरमाने के बाद उस्ताद शाहिद भाई की खलीफा बन गए, खलीफा ही ना। ये देखें आप कितने खूबसूरत कबूतर हैं, ये देखें बड़े बड़े साइज़ के, बड़े कल्ले मगज के, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हैं। सारे कबूतरों का शौक करें एक साथ, ये देख सकते हैं सब कबूतर अपनी अपनी ख़ास खसूसियात रखते हैं। ये देखें आप यहूदिया बाजरे भी हैं इसमें, जालदार बाजरे भी हैं, भूरे बाजरे भी हैं। सारे कबूतरों का एक साथ शौक करें आप। बड़े किंग साइज़ का गद्दावर कबूतर ये दूधिया बाजरा, ये देखें आप ये बड़ा कबूतर माशाल्लाह, ये कलसरा टाइप है घेरा। ये देखें आप बाजरों में से है, ये बाजरों में निकलते हैं। ये देखें आप हर तरह का कलर निकाल लेते हैं रशियो भाई बाजरों में, गंडेदार भी निकल जाते हैं इनमें, भूरे बाजरे भी निकल जाते हैं और गदली आँख भी बना लेते हैं। ये देखें आप कबूतर का वजूद, ये देखें शौक करें आप। सब कबूतर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही लाजवाब इस तरह की, देखें आप मज़ा जाएगा। बहुत खूबसूरत कबूतर हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, सुहावना मौसम हो रहा है, बादल छा रहे हैं माशाल्लाह। उस बीच ये वीडियो शूट की जा रही है रशियो भाई की अपने नवाबी नगरी टोंक में। ये देखें कबूतर कितना ज़बरदस्त वजूद का कबूतर है। सारे कबूतर का ऐसा शौक करें, ये देखें आप सब कबूतर बहुत लाजवाब हैं, बहुत ही उम्दा हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें आप सारे कबूतरों का एक साथ शौक करें। ये देखें हम सब कबूतर, सारा कलेक्शन एक से एक है, भूरे बाजरे, जालदार बाजरे, गंडेदार बाजरे, नीचे बनते हैं। ये देखें आप कबूतर की गूंज, ये देखें आप कितना उमदा कबूतर है, बड़े साइज़ का कबूतर है। ये देखें आप सब कबूतर एक साथ शौक करें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।